हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू. मैं हूं प्रशांत पावानी. आई होप यू आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स. आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ए फ्लाइट पाथ विद ऑब्स्टेकल्स, ये ड्रोन के ऊपर है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. इसके अलावा ये नाफ्ता के ऊपर है, नाफ्ता नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है, ट्रेड के साथ जुड़ी हुई, व्यापार के साथ, तो इसके बारे में बात करेंगे. और ये कोर्ट के ऊपर है, ये वाला जो आर्टिकल है फॉल्स एसोसिएशन, ये आर्टिकल बेसिकली एक आप कह सकते हैं दियोबंदी नाम की एक कम्युनिटी है, तो उनकी क्या सोच है और पाकिस्तान में चीज़ें क्या चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे. और ये वाला आर्टिकल्स आप ड्रॉप कर सकते हैं, ये प्योर पॉलिटिकल आर्टिकल हैं और ये स्वच्छ भारत के ऊपर हैं, इसके बारे में भी लेटर ऑन बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे पेनड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज अलग अलग एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं. इनकी सारी जानकारी आपको studyiq.com के ऊपर से मिल जाएगी. आज के लेक्चर की PDF आपको इन दो जगहों से मिल जाएगी. ए फ्लाइट पाथ विथ ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ड्रोन है और पीछे आपको बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, ब्लर इमेज जो है ये है खेती बाड़ी की, इज़न्ट इट. तो अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, खास करके स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं ये ड्रोन का उपयोग करते हैं और एक एक जो पौधा होता है उसके ऊपर ड्रोन को मीन्स घुमाया जाता है, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए जाते हैं और आप कह सकते हैं कि पूरी जो खेती बाड़ी है तो या फिर आपकी जो ज़मीन है उसको स्कैन किया जाता है बाय दिस ड्रोन. और ये बहुत इजी हो जाता है, हम समझ सकते हैं, बहुत बहुत इजी, बहुत टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग हो जाता है. और फिर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, जैसे कि नाइट्रोजन लेवल जो है वो पौधों में कितना है, कितना लेवल है. इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि ये जो ड्रोन है ये पिक्चर्स यू नो इमेजेस जो होती हैं ये क्लिक करने लगता है और ये सारी जो इमेजेस हैं फिर इनको एक कंप्यूटर में डाला जाता है और कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स पिक्चर, अलग अलग पिक्चर का एनालिसिस करके आपको बता देंगे कि आपकी जो ज़मीन है उसमें कितना नाइट्रोजन है या फिर कितने नाइट्रोजन की आवश्यकता है, कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, यू नो एक्सेट्रा, जो जो भी चीज़ है रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आप ही के कंप्यूटर में पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा. तो इससे ये होगा कि आपके जो इनपुट कॉस्ट हैं यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर रबी सीज़न जो अब आ रही है तो उसमें अगर आपको गेहूं उगाने हैं तो फिर गेहूं के लिए कौन कौन सी आपकी ज़मीन कितनी फिट है, ये सारा जो एक एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगा. और अगर से फॉर एग्जाम्पल फसल लग गई है तो उसके ऊपर भी ये ड्रोन एनालिसिस या फिर स्कैन जब किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने पेस्ट हैं, पेस्ट नहीं हैं, एक्सेट्रा. तो इससे आपका टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वही चीज़ें जाएगी, तो फर्टिलाइज़र का उपयोग कम होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा. मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो एक बार पोल्यूट हो गई फिर बाद में उसको हम यू नो बैक टू नॉर्मल लाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट या फिर नियरली इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है. और ये एक बहुत ही ऐसा एक सोर्स है, ऐसा एक रिसोर्स है मिट्टी कि उसको हम किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं कर सकते, यू नो. तो केमिकल और ये सारी चीज़ों का उपयोग अप्रोप्रिएटली हो ये हम सबके हित में है. तो किसानों के लिए एक रेवोल्यूशन है वहाँ पर. और बहुत सारे देशों में मिनी एयरपोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है. ये जो मिनी एयरपोर्ट्स हैं छोटे छोटे, ये आपको अलग अलग सिटी के एरिया में देखने को मिलेंगे. यहाँ पर ये होगा कि ड्रोन्स जो हैं, बड़े ड्रोन्स, वो लोगों को उठाकर लाइक ए टैक्सी, यू नो ड्रोन टैक्सी आप समझ लीजिए, क्या कैसी टैक्सी होगी जो आपको इस मिनी एयरपोर्ट में मिलेगी. और सिर्फ लोगों को ही नहीं कार्गो को भी, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें जो हैं आपको पार्सल करनी है, भेजनी है, तो ये सारी चीज़ें ड्रोन के माध्यम से हो सकती हैं. तो स्विट्ज़रलैंड में ये बातचीत चल रही है, दूसरे जो यूरोप के देश हैं तो वे भी इसके ऊपर कामकाज कर रहे हैं. हाल ही में हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु साहब, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया. स्टेटमेंट ये था कि भारत में जो ड्रोन की मार्केट है उसका पोटेंशियल है $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन की पोटेंशियल है. तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट इंडस्ट्री को दिया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर सुरेश प्रभु साहब ने. लेकिन उसी लाइन के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा वो भारत की रियलिटी भी दिखाता है. उन्होंने ये बताया कि भारत का जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ पर, कि अटैक हो सकते हैं, टेररिस्ट इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, फिर दूसरे जो ऐसे होलीगन्स हैं या फिर जो ट्रबल करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ डिसरप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वे सारे लोग जो हैं इस ड्रोन का उपयोग करके चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं. तो ये बात भी सही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं जो ड्रोन इंडस्ट्री को यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत करेगी. अब ड्रोन को अगर हमें यहाँ पर हमारे देश में
इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई अ ड्रोन तो आपको बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो भरने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पर पांच कैटेगरीज हमने तय की है, एक है नैनो यानी कि बहुत ही छोटे, फिर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो ये पांच कैटेगरीज हैं हमारे यहाँ पर ड्रोन की। इसमें सबसे ज़्यादा एग्जेम्पशन जो हैं आपको रेगुलेशन, कम से कम रेगुलेशन जो हैं वो ये नैनो कैटेगरी में मिलते हैं, जिसकी हाइट 50 मीटर्स तक आप ये ड्रोन को ले जा सकते हैं। अब बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा आजकल शादी में भी ड्रोन्स के उपयोग होते हैं, शादी इन द सेंस यू नो जो फंक्शन चल रहा है तो उसका ऊपर से शूटिंग किया जाता है एक्सेट्रा, फिर फिल्मों में भी, लेकिन उसके लिए बहुत सारी परमिशंस आपको निकालनी पड़ती है। ड्रोन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, फिर आपको एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पेपर फाइल्स करने पड़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और कई बार तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपको क्लियरेंस लेने में कुछ टाइम भी लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऑफकोर्स इट्स वेरी, आप कह सकते हैं कि लॉजिकल है कि एयरपोर्ट्स के नज़दीक में ऐसे ड्रोन्स ना हों, सेंसिटिव ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसे ड्रोन्स, सेंसिटिव एरियाज़ यानी कि कोई हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सारी जो जगहें हैं तो उन सारी जगहों पर ना हो, कोई ऐसे डिग्निटरीज हैं तो वहाँ पर ना हो। तो ऐसे सारे जो हाई सिक्योरिटी में जिन एरियाज़ को रखा जाना चाहिए वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन हम कर सकते हैं, दैट्स लॉजिकल। लेकिन पूरा का पूरा अगर ड्रोन के ऊपर इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं हर्डल्स हम क्रिएट कर रहे हैं तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी ए गुड फॉर आवर दिस ड्रोन इंडस्ट्री। और इससे आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो गई हैं। आजकल ड्रोन का उपयोग जो है वो बहुत सारी जगहों पर छोटी छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं यहाँ से वहाँ भेजने के लिए किया जाता है, फिर इतनी ज़्यादा परमिशन है 24 आवर्स से पहले आपको पुलिस में बताना है, लोकल पुलिस स्टेशन में, तो कई बार वहाँ पर भी ये तो आपको बताना है, फिर वहाँ पर से आपको कब क्लियरेंस मिलेगा तो उसकी भी राह देखनी है। तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो रिसर्चर्स हैं, तो उनको तो एक ही दिन में बार बार एक ही दिन में बार बार उनको ये सारी टेस्ट करनी पड़ती हैं, तो फिर उनके लिए बहुत हर्डल्स हो जाते हैं, नियरली इम्पॉसिबल बन जाता है। और बहुत सारी जगहें भी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाइड एरियाज़ रखे हैं जो सिटी के बाहर होते हैं जनरली स्पीकिंग, तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कई बार 20-20 किलोमीटर दूर होते हैं जो ये रिसर्च, 5-10 किलोमीटर तो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन 25-30 किलोमीटर जो दूर होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर जहाँ पर रिसर्च हो रही है या फिर जहाँ पर ये रिसर्चर्स की ऑफिस हैं, तो यहाँ से सारा सामान लेकर उनको वहाँ पर जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, तो दैट्स एडिंग मोर कॉस्ट। जो पैसे रिसर्च के पीछे स्पेंड किए जाने चाहिए, इन्वेस्ट किए जाने चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग हो जाता है। स्क्रीन के आप जो व्यक्ति देख रहे हैं इनका नाम है मिस्टर मादुरो और ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। थोड़े टाइम पहले ये हुआ था कि वो स्पीच दे रहे थे और ड्रोन से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऑफकोर्स दैट इज़ अ बिग आई ओपनर कि ये भी चीज़ हो सकती है, वी हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर दिस थिंग। सिक्योरिटी तो आजकल हमें देख रहे हैं कि कैसे यूरोप में कंसिस्टेंटली वेपन और ये सारी चीज़ें वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, लेकिन वहाँ पर कार का उपयोग किया जा रहा है, राइट? जो रेडिकल्स हैं तो वो लोगों को कार से कुचल रहे हैं, ट्रक से कुचल रहे हैं, वैंस जो होती हैं बड़ी बड़ी तो उनसे कुचल रहे हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी हैं कि जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस हैं सोसाइटी में चेंजेस करने से ये सारे रेडिकलाइजेशन जो हैं एक विचारधारा है, तो इसको रोकने के लिए सोसाइटी को ही काम करना पड़ेगा। ऑफकोर्स गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों को मिलकर, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं मिलकर उनको काम करना पड़ेगा, लेकिन उससे हम कार्स तो बंद नहीं कर सकते, तो ड्रोन्स के बारे में भी इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। जैसे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है कार को लेकर, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफकोर्स ट्रेनिंग, हार्ड कोर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रोन के अगर एक्सीडेंट्स हुए हैं तो नीचे चल रहे जो लोग हैं उनके ऊपर चीज़ें गिर सकती हैं, तो दैट्स दैट कैन क्रिएट सीवियर डैमेज। 50 मीटर से अगर आपके ऊपर छोटी सी एक पेन भी डाली जाए तो दैट्स गोइंग टू हर्ट यू, इज़न्ट इट, वेरी बैडली। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन जब तक हम इसका फ्रीली टेस्ट नहीं करेंगे तब तक इसको हम इस इंडस्ट्री को मैच्योर नहीं कर पाएंगे। चाइना में कुछ $9 बिलियन 2020 तक $9 बिलियन, USA उनसे बहुत पीछे, बाई 2023 $2.5 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, और ये जो एक नई अपॉर्चुनिटी है उसमें हमें पीछे नहीं रहना है, वी हैव टू, इनफैक्ट वी कैन
यू नो कवर, और या फिर हम कह सकते हैं हम चाइना और यूएसए से भी आगे जा सकते हैं. ये ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसमें हमारा पोटेंशियल है, हमारे पास यंगस्टर्स हैं, टैलेंट है, तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें. और खेती बाड़ी और दूसरी सारी जगहों पर इसका उपयोग जब किया जाएगा तो इट विल बिकम ए बिग रेवोल्यूशन, इज़न्ट इट. तो मूविंग ऑन टू अनदर आइटम डियर फ्रेंड्स, अब ये जो आर्टिकल है ये इसका नाम है द न्यू डील्स. अब ये जो न्यू डील्स हैं ये नाफ्ता के ऊपर आधारित है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्ता. ये जो नाफ्ता है ये तीन देशों के साथ जुड़ी हुई एक ट्रीटी है. इसमें सबसे ऊपर है कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका है बाय द वे, ये कॉन्टिनेंट है, तो इसमें नॉर्थ सबसे ऊपर यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं ये नाफ्ता का मैप है. तो कनाडा है, इसके बाद यूएसए है, ये वाला जो पार्ट है ये अलास्का का पार्ट है, ये भी यूएसए का एक स्टेट ही है. और यहाँ पर कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक फ्लैग भी दिया था, यू नो फ्लैग आइडेंटिफाई करना था आपको किस देश का है. तो देखिए दिस वन इज मेक्सिको, आई होप दिस हेल्प्स. अब ये जो नाफ्टा है तो इसमें टैरिफ्स जो होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो ये तीन देशों के बीच में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो किसी भी प्रकार के टैरिफ्स इनके ऊपर नहीं लगेंगे. दूसरे देशों के ऊपर जो भी टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं दैट्स फाइन, लेकिन एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं तब टैरिफ्स नहीं लगते हैं. ऑल नाफ्टा कंट्रीज मस्ट रिस्पेक्ट पैटर्न ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स. तो एक दूसरे के जो कॉपीराइट्स हैं, पैटर्न ट्रेडमार्क्स हैं, ये सारी चीज़ों को उनको रिस्पेक्ट करना होता है ये तीनों के तीनों देशों को. establishes procedures to resolve trade dispute. अगर कोई ट्रेड के कंटेक्स्ट में या फिर व्यापार के कंटेक्स्ट में दोनों देशों के तीनों देशों के बीच में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर हैं जिसके माध्यम से ट्रेड के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. और यहाँ पर पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू नाफ्टा एक्सपोर्टर्स मस्ट गेट सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन टू वेव टैरिफ्स. आपको जिस जगह से जो प्रोडक्ट है को पैदा हुई है तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको टैरिफ जो होते हैं जो टैक्स लगाया जाता है कस्टम ड्यूटीज, अगर उनसे बचना है तो. अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें इस नाफ्ता के बारे में. इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बढ़ोतरी देता है ये, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज़्यादा होता है, अच्छी तरीके से होता है ये तीनों देशों में. फिर कॉन्स की बात करें तो इंक्रीज्ड जॉब आउटसोर्सिंग, यानी कि एक दूसरे की जॉब्स जो हैं वो एक दूसरे के देश में चली जा सकती हैं. फिर पुअर वर्किंग कंडीशंस होती है कई बार, जो खास करके मेक्सिको की बात करें तो कंपेयर टू यूएसए और कनाडा, मेक्सिको में वर्किंग कंडीशन पुअर रहती हैं, तो और लोगों के लिए ज़्यादा पुअर और नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लैंड डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट कटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. अब लास्ट संडे एक मीटिंग हुई थी इन तीनों देशों के बीच में, और इस मीटिंग में उन्होंने USMCA यानी कि USA मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के ऊपर एक आप कह सकते हैं समझौती बनाई है. ये तीनों देश मिलकर एक चीज़ के ऊपर एग्री हुए हैं. अब ये नाफ्ता के साथ ही जुड़ी हुई एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से उन्होंने यू नो नई डील बनाई है. नाफ्ता में ही कुछ अप्स एंड डाउन्स किए हैं, और इसमें यह है कि जो कनाडा और मेक्सिको हैं तो यूएसए में जिस प्रकार से ये प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि जो हम कहते हैं कि दीवार खड़ी कर रहा है अमेरिका, कि आपके गुड्स को, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेरिका में नहीं बेचा जाएगा, या फिर अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो बहुत सारे टैक्सेस उसके ऊपर लगाएंगे ताकि अमेरिका में प्रोड्यूस हुई चीज़ें जो हैं वो पहले बिक जाएं, बाद में आपकी चीज़ें अगर चाहिए तो बिकेगी. तो ये जो एक वॉल क्रिएट, एक दीवार खड़ी करने की बात कर रहे हैं यूएसए के प्रेसिडेंट या फिर यूएसए, तो उससे कुछ राहत मिली है दोनों मेक्सिको और कनाडा को कि ये प्रोटेक्शन इज ड्यूटीज जो हैं उनके गुड्स के ऊपर नहीं लगाई जाएगी. नेगेटिव चीज के बारे में बात करें तो तीनों के तीनों देशों में अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, खास करके ये जो USMCA हैं, तो इन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको अब फायदा होगा. जैसे कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कार प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कार प्रोडक्शन को नुकसान होगा क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो अलग इंडस्ट्रीज़ को, कुछ दो तीन ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं या पांच छह ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर आप कनाडा में चीज़ें बनाएं, यूएसए में बनाएं या फिर मेक्सिको में बनाएं, जो मिनिमम वेज होते हैं वो अब सेम रहेंगे. अब मिनिमम वेज ये होता है कि आप अगर एक घंटे के लिए काम करते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए में, तो वहाँ का कुछ मिनिमम वेज फ़िलहाल आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन मान एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लेते हैं $10, कि आपको एक घंटे का काम जो है वो $10 आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे. दिन में आपको 8 घंटे काम करने पड़ते हैं,
या फिर मिनिमम जो फुल टाइम जॉब होती है उसमें 8 घंटा होता है, 8 आवर्स, तो फिर पूरे दिन के आप कुछ $80 कमा लेंगे। ये मिनिमम तो इतना मिलना ही है, इससे कम आपको कोई भी पे नहीं करेगा यूएसए में। ये एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल, एग्जैक्ट रेट मुझे पता नहीं है, कुछ 13-14 पाउंड डॉलर्स होंगे। अब यही पैसे जो हैं मेक्सिको में, या यही काम 8 घंटे का काम मेक्सिको में आप किसी व्यक्ति से करवाएंगे तो वहाँ पर $4 में या $3 में आप वही चीज़ करवा सकते हैं फॉर 1 आवर। तो कार का प्रोडक्शन अगर मेक्सिको में हो रहा है तो लेबर कॉस्ट जो है ये कम होगी, तो कार की जो फाइनल कीमत होगी वो भी डाउन होगी। अगर कार की कीमत, फाइनल कीमत डाउन है तो इसका मतलब है कार का प्रोडक्शन, कार चीप हो जाएगी और दुनिया के अलग अलग देशों में आप अपनी गाड़ियां जो हैं वो बेच सकते हैं। लेकिन अगर मेक्सिको में भी आपने मिनिमम वेज यूएसए के कंटेक्स में और कनाडा में जो मिल रहा है वही आपने कर दिया, तो फिर मेक्सिको में कार प्रोड्यूस करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू नो। तो अमेरिका की ये जो कार इंडस्ट्री है, से फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर कार्स आप बना रहे हैं तो उस कार इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन मेक्सिको की कार इंडस्ट्री जो है उसके लिए नुकसान होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो मिनिमम वेज वाला जो है तो यूएसए के हित में होगा। दूसरे जो प्रोटेक्शनिज्म के बारे में हमने बात कही, ये गुड्स के बारे में, तो ये यूएसए और ये कनाडा और मेक्सिको को इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब मिस्टर ट्रंप ने इसी मीटिंग के दौरान दुनिया के दूसरे देशों को भी धमकी दी है, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और हमारा देश भारत। भारत को तो टैरिफ किंग कह के बुलाया है कि सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगाता है हिंदुस्तान और इनको बंद करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑल फॉर नथिंग, ऑल और नथिंग के बारे में बात कही। ऑल और नथिंग ये है कि या तो आप सारी चीज़ों में हमारे साथ हाँ से हाँ मिलाइए, या फिर किसी भी चीज़ के साथ हम आपके, यू नो, किसी भी चीज़ के ऊपर हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, या तो सारे गुड्स जो हैं आप फ्रीली हमें आपकी मार्केट में बेचने दीजिए, वरना हम एक भी चीज़ आपसे ख़रीदेंगे भी नहीं और बेचेंगे भी नहीं। तो ये एक हार्ड अप्रोच मिस्टर ट्रंप ले रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने हमने पहले भी बात की थी, यू नो, ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में, कि एक चीज़ जो है अमेरिका की ही एक कंपनी जो है कुछ चीज़ प्रोड्यूस करती है, ये चाइना में जाती है और चाइना में इसके ऊपर कुछ एडिशन होता है, फिर इंडोनेशिया जाएगी, फिर इंडिया आएगी और फाइनली ये प्रोडक्ट जो है वो यूएसए में अगर हम बेच रहे हैं तो बेसिकली तो यूएसए की ही प्रोडक्ट है, इज़न्ट इट। तो ये जो एक चीज़ है ये डिस्टर्ब हो सकती है, और आजकल की जो इंटीग्रेटेड ग्लोबल मार्केट है तो इस प्रकार की प्रोटेक्शनिज्म वाली जो एक, या फिर एक ट्रेड नीति है वो अपनाने की बात कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप, या फिर कर भी रहे हैं पिछले 1-1.5 सालों से। तो इससे एक तनाव का माहौल हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें तब हो रही है जब मार्केट एक बहुत लंबे टाइम से 2007-08 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसके बाद मार्केट धीरे धीरे जो है इसका ग्राफ अप होते जा रहा था, और फिर आ गए मिस्टर ट्रंप और अब प्रोटेक्शनिज्म से फिर ग्लोबल मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल अप एंड डाउन ऐसे होने लगी हैं। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, ये है इन द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड एक आर्टिकल है, इसका जिस्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ। ऑफकोर्स आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, क्विक ग्लैंस लगानी है आपको। देखिए, मुझे प्रश्न कई बार स्टूडेंट्स के आते हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये प्रश्न होंगे कि क्या हमें दूसरे न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, क्या हमें ये जो आर्टिकल्स हैं इनको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मुझसे पूछे कि बेस्ट तरीका कौन सा है, ये पूरा जो हिंदू न्यूज़पेपर है या फिर न्यूज़पेपर के बारे में बात करें आपके दिन का, तो आई वुड रेकन के सबसे पहले तो सी, मैं शायद इसमें गलत हो सकता हूँ, लेकिन आई थिंक कि अगर आप, आपके दिन की शुरुआत जो है अगर अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, समवेयर अराउंड 7-8 इज़ फाइन, तो क्या होगा कि सबसे पहले आप द हिंदू एनालिसिस फॉर एग्जांपल वीडियो लेक्चर आपने देख लिया, तो यू नो एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ये आर्टिकल्स में पढ़ने को नहीं मिलती हैं, लेकिन एड ऑन के तौर पर एवरी सिंगल डे आपको दी जाती है। ये ट्रांसलेशन वाला वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं जो इंग्लिश में चीज़ें लिखी गई हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहा हूँ, नॉट एट ऑल। आई मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाए, जो लाइंस होती हैं वो तो कवर कर ही लेते हैं हम, राइट, लेकिन लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन वाला वीडियो नहीं है, ये एनालिसिस है। तो ट्रांसलेशन से
थोड़ा आप कह सकते हैं ऊपर की बात है ये. नाउ एक बार आपने ये लेक्चर देख लिया उसके बाद आप पढ़िए जितने भी आर्टिकल्स. देखिए ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया है तो इसको डेफिनेटली आपको पढ़ना ही है. अब अगर आपके पास ये चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं है तो आई एम सॉरी टू से आप के पास किसी भी चीज़ का टाइम नहीं होगा या फिर आपका मन ही नहीं है तैयारी करने के लिए. क्योंकि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो फिर इससे बड़ी और कोई भी चीज़ आपके दिन की नहीं हो सकती. अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज या फिर कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मानकर चलिए जो जॉब है वो सर्वाइवल के लिए है, लेकिन ये जो है पढ़ाई और पढ़ाई के माध्यम से जो भी जॉब या फिर एग्जामिनेशन आप क्रैक करना चाहते हैं तो वो आपके जीवन की हॉबी हो सकती है, आपका सपना हो सकता है. तो सर्वाइवल इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसी के साथ ये पढ़ने में फिर टाइम भी नहीं लगता है. धीरे धीरे यूज़ टू होना है आपको. एक एक लाइन पांच पांच बार नहीं पढ़नी है, थोड़ा स्पीड रीडिंग धीरे धीरे बढ़ाते जाना है. तो इट विल टेक जस्ट 4 to 5 minutes टू रीड दिस आर्टिकल. इसके बाद ये आर्टिकल ले लीजिए, उसके बाद ये वाला. तो ऐसे 3-4 आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करें वही आप पढ़िए, उसके बाद दूसरी चीज़ें पढ़नी नहीं है. अब न्यूज़पेपर के जो न्यूज़ होते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जो आपको कभी भी मिस नहीं करने हैं वो सारे न्यूज़ आइटम्स मैं आपके सामने न्यूज़ सेक्शन में रख देता हूँ. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद व्हाट यू डू इज क्विकली न्यूज़पेपर को देखिए. उसमें ऐसी कोई चीज़ है, अगर आप से फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टेट में से हैं तो वहाँ की कोई न्यूज़ है तो उसको एक बार उसके ऊपर 2-3 मिनट निकाल दीजिए. तो ये पूरी जो चीज़ है 30-35 मिनट्स का वीडियो पकड़ लीजिए आर्टिकल्स पढ़ने की, अनदर 30 to 40, या फिर अगर आपकी नई शुरुआत है तो 50 मिनट्स हम पकड़ लेते हैं, राइट. तो 50 मिनट्स ये हो गई, ऐड कर दीजिए या 30-35, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 80-90 मिनट्स. तो 2 घंटे यहाँ पर नियरली 1.5 घंटे की बात हो गई, 1.5 आवर्स, राइट, 90 मिनट्स रफली स्पीकिंग. अब बाकी का जो टाइम रहा है आपके पास पकड़ लीजिए अनदर 30 मिनट्स. तो उसमें आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स अगर हैं तो उसके एडिटोरियल्स को देखिए, उसके ऊपर नज़र घुमा सकते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो, वरना इट्स मोर देन इनाफ. फिर आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ के शोज़ देख सकते हैं, इवनिंग शो हैं वो देख सकते हैं या फिर मॉर्निंग शो हैं वो देख सकते हैं दोपहर में, इट डिपेंड्स. PIB एनालिसिस अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए भी इसमें रोज़ आपको एक स्पेशल टॉपिक दिया जाता है और दूसरी न्यूज़ करंट अफेयर्स के आइटम कवर की जाती है. तो ये सारी चीज़ें अगर 2-3 ऐसे वीडियोस हैं, गौरव सर का वीडियो आता है तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है करंट अफेयर्स के लिए, PIB और द हिंदू एनालिसिस है, तो दैट्स मोर देन इनाफ. टोटल लगाएंगे तो आप, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट समवेयर अराउंड 2 आवर्स, तो दैट्स इनाफ, 2-2.5 आवर. और करंट अफेयर आप देखिए 75% चीज़ें जो हैं, मैं 100% कह सकता हूँ लेकिन 75%, 2/3 जो चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स के ऊपर आधारित हैं. तो ये इतना बड़ा चंक जो है आपकी एग्ज़ाम का, उसके लिए अगर आपको 3 घंटे दिन के देने पड़ते हैं ऑन एन एवरेज, तो दैट्स ए वेरी, आप कह सकते हैं अच्छा इन्वेस्टमेंट है. इसमें टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है, राइट. तो आई होप इससे आपको एक अच्छी टिप मिली होगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है. अगर और कोई प्रश्न है तो लिखिएगा, ज़्यादा जो टॉपिक्स इश्यूज़ जो होंगे तो उसको मैं इस प्रकार से कवर करने की कोशिश करूँगा. अब ये वाला जो आर्टिकल है, दिस वन इन द कोर्ट लास्ट रिजोर्ट, तो ये जो NRC है, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो आसाम में एक एक्सरसाइज चल रही है, इसके बारे में बात की है तो बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ. अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम उन्होंने नहीं देखा, तो ऑफकोर्स कोई भी व्यक्ति चिंतित रहेगा, क्योंकि जब आपके पास से सिटीजनशिप ली जाती है तब आपको जो एक अधिकार होता है, अधिकार का, राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, अधिकार का जो अधिकार होता है वो आपसे चला जाता है. अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो अधिकार का अधिकार आपको मिल जाएगा, द राइट टू हैव राइट्स आपको मिल जाएगा या फिर मिलता है. अगर यही चीज चली गई तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब ये 4 जजेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, तो 2018 की शुरुआत में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 January थी, जब 4 जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस, राइट, जो कॉलेजियम के पार्ट हैं, तो 4 सीनियर मोस्ट CJI के बिल्कुल ही जूनियर 4 जो जजेस थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि भाई CJI जो हैं वो केस हमें नहीं दे रहे हैं, केस एलोकेशन अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, हमारे जूनियर
जजेस को, हमसे जो जूनियर हैं उनको इम्पोर्टेंट केसेस दे रहे हैं, हमें देने चाहिए, ये सारी चीज़ें हुई। तो उस टाइम पर सी जे आई के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, कोर्ट में एक यूनिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ें लिखी गई थी। और आज जो रंजन गगोई साहब जो हैं वो आज हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, और इनका और ये जो एनआरसी है इनका एक कनेक्शन है। कनेक्शन ये है, ऐसा नहीं है कि वो आसाम से हैं इसलिए, लेकिन उन्होंने ये केस को देखा है, समझा है ये एनआरसी वाला, और बहुत बार उन्होंने जो एक कहते हैं कि स्टैंड जो लिया था वो स्टैंड कुछ सीक्रेसी वाला था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई चीज़ें गलत की, जैसे कि जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं तो उन्होंने पीपीटी का एक प्रेजेंटेशन दिया था कोर्ट में, तो ये प्रेजेंटेशन जो है ये पब्लिक में नहीं था, ये कोर्ट ने बंद दरवाज़ों के पीछे ये देखा था। बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे दिए थे कि कई बार अगर टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को चाहिए था तो वो भी कोर्ट ने नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कोर्ट्स हैं हमारी, वो हमारे लिए एक लास्ट रिजोर्ट होता है, लास्ट ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे पास अगर कोई ऑप्शंस नहीं बचते, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाएंगे। खास करके सुप्रीम कोर्ट जो है ये तो लास्ट एक आखिरी कड़ी आ गई, इज़न्ट इट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ही सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीक्रेसी या फिर जो ग्राउंड लेवल पर चीज़ें जो हो रही है उनको नहीं सुनेगी तो फिर यू नो दैट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्थी फॉर आवर नेशन। और ये जो नए सीजेआई हैं जो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, तो उसी चीज़ को उनको ध्यान में रखना है, और उनको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि वो और ज़्यादा चीज़ों को स्मूथ बनाए, ना कि हार्ड। अब बात करते हैं फॉल्स एसोसिएशन के बारे में। एक दारुल उलूम दियोबंद, ये जो जगह आप देख रहे हैं भारत में है ये, और ये बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ पर आप दियोबंदी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दियोबंदी जो है एक आप कह सकते हैं पंथ है, इसे कई बार सिलसिला भी कहा जाता है, सूफियों के साथ जुड़ा हुआ एक सिलसिला है, और पाकिस्तान में नियो दियोबंदीज हैं। और ये जो नियो दियोबंदीज हैं वो पूरा जो दियोबंदी सिलसिला है उसके ऊपर एक कलंक है, क्योंकि ये जो नियो दियोबंदी हैं इनको सऊदी के पैसे और पाकिस्तान के हथियार मिलते हैं। ये अफगानिस्तान के जो जिहादीज थे जिनको अमेरिका के हथियार मिलते थे वाया पाकिस्तान, तो सेम चीज़ ये नियो दियोबंदीज को मिलती है, ये हथियार और पैसे मिलते हैं, ये फैसिलिटीज़, और ये वहाबिज़्म को सपोर्ट करते हैं या फिर उसको फैलाते हैं। वहाबिज़्म जो हैं जो एक्सट्रीम, कुछ दिनों पहले मैंने आपको शायद ये शब्द के बारे में बताया था जब हम मालदीव्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो वहाबिज़्म है उसमें ये माना जाता है कि दूसरे जो जैसे कि कोई सूफ़ी है ये एंटी सूफ़ी है, तो अगर कोई सूफ़ीज़म को प्रैक्टिस कर रहा है कोई मुसलमान तो उनको मुसलमान नहीं माना जाता और उनको मारा जाता है, उनके ऊपर उनकी जो ये दरगाहें हैं तो उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाबिज़्म में सिखाई जाती है, जो ये दियोबंदी के खिलाफ है, जो सूफ़ीज़म के खिलाफ है। सूफ़ीज़म में शांति है, भाईचारा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बातें होती हैं, यू नो। तो ये एक एक्सट्रीम फॉर्म जो हैं जो इस्लाम का नाम ख़राब करते हैं, ये वहाबिज़्म, और दूसरे ये जो नियो दियोबंदीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश के जो लोग हैं उनको बचना चाहिए। ये एक आप कह सकते हैं विचार है, ये एक रोग है जो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं ये वहाबिज़्म वाले लोग। एंड ये जो दियोबंद है इसकी शुरुआत हुई थी या फिर इसके जो फाउंडिंग फादर थे ये चिश्ती सूफ़ी सिलसिला, अपने चिश्ती सिलसिला अजमेर के जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं तो उनका है ये चिश्ती सिलसिला। तो उनके ही चिश्ती सिलसिला के साथ जुड़े हुए थे मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, और ये फाउंडिंग फादर हैं नियोबंदी के। और नियोबंदी जो हैं इसमें ऐसी कोई अटैक वटैक वाली बात नहीं होती, इनफैक्ट देश को प्यार करने की इसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि ये जो कॉलोनियल्स थे ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे तो उनका विरोध किया था दियोबंदी ने या फिर इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों ने। और ये जो मोहम्मद अल हसन थे, मौलाना मोहम्मद अल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदानी, तो इन लोगों को तो फिर जेल में भी डाला गया था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती विरोध किया था ब्रिटिशरों का। और देश के बारे में भी ये बताया है कि भाई देश जो है वो वतन, होमलैंड, मज़हब रिलीजन के आधार पर नहीं लेकिन हमारा जो होमलैंड है उसके आधार पर देश होता है। तो इंडिया को अपनी सरजमीन माना,
इसी के साथ पाकिस्तान को सेपरेट करने की जब एक अलग देश बनाने की बात आई तो उसका भी विरोध किया था. तो देवबंद जो है वो हमारे देश या फिर हम कह सकते हैं हमारा कल्चर, और उसी के साथ साथ ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलसिला है. और पाकिस्तान में जो ये एक नया फॉर्म वहाबिज़्म वाला देखने को मिल रहा है तो वो बहुत ही गलत है. तो ये एक कई बार आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं. देखिए सूफिज़्म के ऊपर आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कई बार ऐसे स्पेसिफिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं. तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ देवबंद सूफी मूवमेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको काम आ सकती है, आज जो डिस्कस की हैं. अब बात करते हैं न्यूज़ के बारे में. फार्मर की एक रैली आई थी तो ये अब एक हिंसक रूप उन्होंने ले लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में. फिर स्वच्छ भारत जो है ये माइंडसेट एक चेंज हुआ है, मोदी साहब ने बताया. फिर एक जगह है हमारे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ये जो एक एरिया है जो बहुत सालों पहले कुछ उल्का यहाँ पर गिरे थे, 88 million years old उल्का यहाँ पर गिरे थे, तो एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया. तो अब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस दिलाने के लिए इसको सबमिट किया है. और कोर्ट ने ये बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर जो रेप जिनके ऊपर हुआ है, जो पीड़ित है, अगर वो भी अगर अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं, मीन्स रेप हुआ है लेकिन किसी भी कारणवश वो चाहते हैं कि केस विड्रॉ किया जाए, तब भी कोर्ट को इस केस को चलाना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के साथ जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सपोर्ट ढाका ऑन रोहिंग्या क्राइसिस, जो गुटेरेस एंटोनियो गुटेरेस साहब भारत आए हुए हैं तो उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट करने की बात कही है, ढाका को सपोर्ट करने की बात कही है. और इंडिया सेंड्स रिलीफ मटेरियल टू इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जो भूकंप आया और उसके बाद सुनामी आई तो उसकी मदद के लिए भारत ने वहाँ पर चीज़ें सप्लाई की हैं. टूल्स मेड यूजिंग लाइट, तस्वीर आप देख सकते हैं, आर्थर जेराड और डोना की, ये तीनों को नोबल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में. आज आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर भी सिद्धांत अग्निहोत्री सर लेकर आने वाले हैं, हिंदी में होगा ये लेक्चर, तो इसको देखना मत भूलिएगा. और इसी के साथ फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो ये जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है उसकी आज मीटिंग होने वाली है, तो इसी के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बताया कि 121 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो इसको 193 यानी कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं तो उनको भी इनका मेंबर बनाना चाहिए, और पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलेगा. जिस प्रकार से ओपेक जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये ओपेक ग्रुप जैसे काम करता है, उसी तरीके से आईएसए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. इनकार्सिरेट ब्लॉट प्रोपोनेंट सेमिनरी ट्वीक और कॉन्जिनल, ये शब्द हैं आपके लिए. कल मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, और यहाँ पर आप देखिए मैप पर कीजिए और खुद जानिए कौन कौन से, अगर आपको आंसर नहीं मिला है, जितने स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है हैट्स ऑफ टू यू गाइस. अगर नहीं आंसर तो जूम कीजिए अच्छी तरीके से, डाउनलोड करने के बाद देखिए इसको, ऑब्जर्व कीजिए. और ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये जो पानी है इसका नाम क्या है, ये आज का आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है. देखिए अपनी एटलास खोलिए और ऐसे ऐसे एरिया को ढूंढिए. और ये जो एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका बहुत सारी चीज़ों से गुजर कर वहाँ पर पहुँचते हैं आप, तो दैट बिकम्स यू नो सबकॉन्शियसली आपका माइंड जो है उसमें ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो चलती रहती है, स्टोर होती है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, ये एक साइंटिफिक तरीका है चीज़ों को पढ़ने का. ये रहे आपके आंसर्स, दिस इज मालदीव्स, और आज के दो एमसीक्यूज, और ये वाला फ्लैग जो है ये किस देश का है बताइए. दैट्स एवरीथिंग, एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू. और हाँ, ये लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ क्या आप शेयर करते हैं, अगर नहीं करते हैं देन क्यों नहीं, डू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद.